अरे हल्दी, अरे गाने हरदी ना रे। अरे यार समझाओ, कैसे समझाएं कि गाने हरदी लागल का होला? हाड़े हरदी या फिर गाने में हरदी, आप जो समझना चाहते हो वो समझ लो, क्योंकि घूंघट घोटाला 3 यानी कि एक बार फिर से भूतहिया मामला, यानी कि निरहुआ के भाई प्रवेश लाल यादव भी चल चुके हैं अपने निरहुआ के नक्शे कदम पर ही। जी हाँ, निरहुआ हिंदुस्तानी 4 यानी कि सीरीज आई, और अब घूंघट घोटाला का तीसरा सीरीज आ चुका है। पहला सफलता, दूसरा सफलता और उसके बाद तीसरा सफलता आ चुका है। लेकिन इस बार जो भूतनी के साथ रोमांस में है, इंडिया में नहीं है भैया, लंदन में हो चुका है। यानी कि भूतनी इंडिया से जा चुकी है, फ्लाइट में बैठ चुकी है, और फ्लाइट से बैठ के लंदन की धरती पर प्रवेश लाल यादव को भूतनी परेशान कर रही है। और इस बार की जो भूतनी है वो है आम्रपाली दुबे। जी हाँ, और भैया आम्रपाली दुबे का क्या कहना, जब आम्रपाली दुबे को तो आपने रोमांस करते हुए देखा है कई हीरो के साथ, खास करके निरहुआ के साथ ज्यादा आपने देखा है, लेकिन इस बार प्रवेश लाल यादव के साथ रोमांस कर रही है, लेकिन रोमांस नहीं कर रही है भाई, सता रही है। जी हाँ, और एक्सप्रेशन के साथ जिस तरीके से अंदाज दिखाया गया है वो मजेदार है। जी हाँ, एक लाइन में अगर स्टोरी की बात किया जाए तो भैया प्रवेश लाल यादव गांव से निकलकर लंदन की धरती पे जाते हैं और किसी से रोमांस करते हैं, यहां वाली भी लड़की वहां वाली भी लड़की से रोमांस करते हैं। टेक्निकली क्या होता है वो लंदन की धरती पर कुछ पता चलेगा, लेकिन जो खास पॉइंट है कि भैया इंडिया की जो लड़की है, जो प्रेमी है, आसकी है, जो लड़की है भूतिया जो आसकी है, वो पहुंच चुकी है लंदन, और लंदन की धरती पर BIB विजेंदर, जी हाँ, और छोटे वाले नाइटे वाले स्टार एक और हैं उनके साथ, और प्रवेश लाल यादव तीनों को जम के परेशान कर रहे हैं। यानी कि भैया जो द्वंद्व युद्ध है वो काफी ज्यादा है, मतलब भोजपुरी में इस तरीके की फिल्में, मतलब भूतिया टाइप की फिल्में नहीं बनती है, लेकिन जिस तरीके का ट्रेलर डाला गया है, एकदम ऑडियंस टेलर को एकदम बांध के रखा गया, टेलर में कोई कमी नहीं है, स्टार कास्ट में एकदम इक्वल है। नीलम गिरी है, जी हाँ, नीलम गिरी के हमने छोड़ दिया था, नीलम गिरी का अभिनय अच्छा लग रहा है। यानी कि यूं कहें प्रवेश लाल यादव के साथ गाने डाले गए हैं, डिस्को वाले डाले गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लंदन में सिनेमेटिक्स जो ग्राफिक्स किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मंजुल ठाकुर का जो डायरेक्शन, जिस तरीके का मंजुल ठाकुर का नाम है, जिस तरीके से उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सुपर डुपर हिट फिल्में दिए हैं, और नीलम गिरी और प्रवेश लाल यादव की जोड़ी इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा का बटोर रही है, और उसी का जो अंदाज है वो आपको इस ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। हालांकि नीलम गिरी भूतिया नहीं है, लेकिन सस्पेंस लास्ट में जो है वो कहीं ना कहीं 3 एक्ट्रेस को दिखाया गया, तो वो सस्पेंस हो सकता है। मतलब घूंघट का घोटाला 3 में सस्पेंस बरकरार है, टेलर में आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ कुछ बारीकियां हैं जो कमियां हैं, BFX और बढ़िया से यूज करना चाहिए था। आम्रपाली दुबे को अगर भूतिया सीन दिखाया गया है तो उसको उसका लेवल थोड़ा सा और ग्रिप करना चाहिए था। गाड़ी का जो शॉट लगाया गया है आम्रपाली दुबे के साथ, कार के साथ जिस तरीके से बाहर आती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा शॉट लग रहा है, लेकिन वही बात है, जो फाइट सीक्वेंस होना चाहिए, डराने का जो सीक्वेंस है, मतलब एक लेवल अप होना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा यूनिक चेंजेस करने चाहिए, तो डराने वाला जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हल्का रहा है। BIB विजेंदर का जो कॉमेडी जोन है वो प्रॉपर है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वो कॉमेडी करते हैं BIB, वो एकदम प्रॉपर है। प्रवेश लाल यादव की एक्टिंग एकदम लेवल का दिखाया गया, कोई भी इधर उधर इफ बट वाला हिसाब किताब नहीं है। मतलब टेलर आप देखोगे तो लगता है कि यार भोजपुरी में भी ऐसी फिल्में बनती है क्या, लेकिन भैया बनती है, टेलर जबरदस्त है, यूनिक अंदाज में है, तो भैया घूंघट का घोटाला 3 जाकर देख लो, और जिन लोगों ने देख लिया है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको ये भूतिया अंदाज आम्रपाली दुबे प्रवेश लाल यादव और नीलम गिरी का अंदाज कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।